दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को किया। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। सीएम निर्धारित समय से करीब एक घंटा 20 मिनट लेट पहुंचे थे। शुभारंभ के बाद सीएम नीतीश ने तारामंडल के अंदर और बाहर बारीकी से मुआयना किया और संबंधित अधिकारी से कई जानकारी ली। सीएम ने तारामंडल पर लिखे नाम तारामंडल सह विज्ञान केंद्र संग्रहालय को बदलकर तारामंडल सह ज्ञान विज्ञान केंद्र करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि वे यह सौगात दरभंगा वासियों को बहुत पहले देने का सोचे थे, सपना आज पूरा हो गया है। यह तारामंडल पटना से बड़ा बना है, कुछ और काम होने हैं और वह जल्द पूरा हो जाएगा। सीएम ने एम्स को डीएमसीएच के अलावा कहीं और शिफ्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि डीएमसीएच को ही एम्स में अपग्रेड किया जाएगा। किसी का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि केंद्र सरकार की जीत के कारण डीएमसीएच अपग्रेड नहीं किया गया, एम्स अलग बनाया जाएगा। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि एम्स कहां बनेगा। उनसे जब पूछा गया कि निर्माण कार्य रुका हुआ है तो कहा कि जल्द ही जगह चिन्हित कर कार्य शुरू कराएंगे। इस तारामंडल को अमेरिका की टीम ने डिजाइन किया है। 78 करोड़ की लागत से तारामंडल और 300 सीटों के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। तारामंडल के अंदर एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तारामंडल का ट्रायल किया गया जो सफल रहा। साथ ही इसी भवन में 150 सीट के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है जिसमें मनोरंजन के कई साधन हैं। दरभंगा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले सीएम ने कादराबाद में बने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निरीक्षण किया, प्लांट में कुछ बदलाव का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि सोलर प्लांट लगाने की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, ललित यादव, मदन सहनी भी मौजूद थे। सीएम को देखने के लिए लोग घरों के छत पर थे, उनका उन्होंने अभिवादन किया। लेकिन हम पश्चिम बंगाल कलकत्ता में तो वहाँ का जो हम देखे ना तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि और बढ़िया बनना चाहिए। एक तो वहाँ के बारे में कहा लेकिन हमने सोच लिया दरभंगा में करना। कई साल पहले तय किया तो दरभंगा में बनना शुरू हुआ, अब बन गया है, थोड़ा सा भी और काम बचा है। हमने आज कहा उसको भी पूरा कर देते हैं। कितना बढ़िया मंत्री होता है हम देख लीजिए। अगर यही आज हमारी बातचीत हुई है तो देखते हैं और बढ़िया से थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी देखेगा उसको एक एक बात को बता देगा तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या जानेगा। नेचर का एक एक चीज़ एक एक चीज़ कहाँ पर है, पूरे दुनिया का किस प्रकार से एक एक बड़ चीज को जो जानेगा और एक एक चीज जानेगा ज्ञान अरे भाई कैमरा बहुत फायदे होंगे बच्चे बच्चों ये सब दिखाने के लिए सबको दिखाएंगे। लेकिन उसी से ही है कि बच्चे बना है आई जब तैयार हो जाएगा न सिर्फ यही का बिहार के विभिन्न हिस्सों का भी आएगा और देश के दूसरे हिस्सों का भी आएगा। अब यहाँ तक बना हुआ है ना भाई, तब तो बाहर से भी कोई आना चाहेगा तो भी देख लेगा। सर सोलर प्लांट को भी आप कहते हैं, सोलर प्लांट को भी गए थे सर और गाँव का भी दौरा किया, क्या वहाँ से क्या कहना चाहेंगे? बिहार का पहला बना है सर बिहार बना, हम बहुत जगह बनवाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों को बता ही किए हैं उसका क्या उद्देश्य है। हम बच्चे नेचुरल चीज है समझ गया ना सर, आपका ध्यान में रहा लेकिन जरा सा यहाँ पर कर देखिए कितना बढ़िया बन गया। शिक्षा मंत्री सर यह मिथिला के लिए बहुत बड़ी चीज है। ग्रेनिटोरियम संग्रहालय बना है और तारामंडल दो तारामंडल बनने का निर्णय हुआ था, एक गंगा के उस पार गंगा के इस पार, उस पार गया में और इस पार मुजफ्फरपुर में निर्णय हुआ था। तो मैंने ही जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था, उसमें तात्कालिक मंत्री विभाग के अनिल कुमार जी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने अनिल जी को फ़ोन किया था कि नहीं दरभंगा में कीजिए। तो फिर जो मुजफ्फरपुर में जो निर्णय हुआ था इस तारामंडल का, फिर मेरी पहल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से फिर ये दरभंगा में बना, नहीं तो गंगा के उस पर गया और गंगा के इस पर मुजफ्फरपुर का। समाधान यात्रा की आलोचना आप लोग करते हैं लेकिन समाधान आज एम्स का समाधान होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट ने निर्णय कर दिया डीएमसीएच कैंपस में 201 एकड़ जमीन देने का और 80 एकड़ जमीन दे भी दिया गया।
और एक एक एमएलए आके कैबिनेट के निर्णय को, मुख्यमंत्री के निर्णय को चैलेंज करके आगे चले गए कि नहीं अब हाया घाट में बनेगा, अब जो है अशोक मंडल के जमीन पर बनेगा जो लिटिगेशन। सर कितने का लागत से तारा मंडल बनी है? तो वो तो सीएम घूम रहा है ना। मेरा इतना ही कहना है कि नागपुर और दरभंगा एम्स साथ में निर्णय हुआ था, नागपुर में इलाज चालू हो गया और दरभंगा में जमीन नहीं दिया गया, और अगर नया स्थल का चयन हो रहा है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं तो दो दिन पहले 10 करोड़ रुपया का पानी टंकी तोड़ के क्यों गिरा दिया गया? इतना बढ़ रही है, लोग का पैसा है, जनता का पैसा है, अगर आप निर्णय कर दिए दूसरे जगह जाएंगे तो 200 करोड़ का बिल्डिंग तोड़ दिया। अगर परसों दो दिन पहले आप जाके देखिए वहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर का पानी टंकी को ध्वस्त किया गया, तो क्या भाई कोई ये जनता का पैसा? इसलिए हम लोग का ये कहना था कि इस बार चुनाव में बूथ भी रहा क्यों नहीं जो है आज तक एम्स में जमीन दिया जा रहा है। एक साल पहले समीक्षा बैठक करके गए, स्पीड पकड़ाया और फिर जो है और ये तारा मंडल जो बना है, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की स्वीकृति इसकी 170 करोड़ की थी और अभी तक 88 करोड़ का ही निर्माण हुआ है, इसमें एक साइंस पार्क बड़ा बनना है, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने निर्देशित किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी को कि भाई और बिल्डिंग सेक्रेटरी को कि जो 70 करोड़ का है साइंस पार्क वो भी इसको जल्द से जल्द बने। संजय जी एक बात बताइए, समाधान यात्रा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि समाधान यात्रा जो मुख्यमंत्री करने निकले हुए वाकई 3 महीने में 24 हत्याएं दरभंगा में हुई और पूरा शहर जाम रहता है, आज भी मुख्यमंत्री जी के कारण शहर के लोग को हटा दिया गया, पूरा शहर जाम रहता है, उसका समाधान होना चाहिए। 8 रेल ओवर ब्रिज स्वीकृत है यहाँ, वो बनना चाहिए तब शहर का समाधान कुछ होगा। एम्स लटका हुआ है, एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करने आए थे, उन्होंने निर्देश दिया और एक एक्स-एमएलए आके उनके निर्देश को, कैबिनेट के निर्देश को खंड खंड कर दिया। एम्स क्यों नहीं बना? एम्स तुरंत बनना चाहिए, 10-5 दिन के अंदर जमीन देनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, तो दरभंगा के लोगों का, दरभंगा की समस्या का समाधान होगा तभी समाधान करने का यात्रा का मूल उद्देश्य होगा, वो हम लोग को लगने का। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही, मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपने हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें, नीचे हमने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़, नमस्कार मिथिला।